हरे कृष्णा, आज हम वेज देसी बर्गर बनाएंगे, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। ये बर्गर खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे बिना लहसुन और प्याज के बनाए हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, यकीनन काफी पसंद आएगा। ये बर्गर बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। डीप फ्रीजर से हमने फ्रोजन आलू टिक्की बाहर निकाला है। एक आलू टिक्की को साइड में रखें और इसे थॉ करें। थॉ मतलब हम टिक्की को आधा या एक घंटा पहले बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। अगर हम आलू टिक्की को थॉ करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फ्रोजन टिक्की को बाहर निकाले और एक नॉनस्टिक पैन में बिना तेल डाले धीमी आंच पर दोनों तरफ गर्म करें ताकि टिक्की रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसमें मॉइस्चर है, अगर हम तेल डालेंगे तो तेल की छींटे उड़ेंगे। अगर हम नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेल डालें, नहीं तो टिक्की जल जाएगा। और फिर धीमी आंच पर रूम टेम्परेचर पर टिक्की को आने दें। इसे सिर्फ एक या दो मिनट लगेगा रूम टेम्परेचर पर आने में। अब टिक्की को पलट दें और दूसरी तरफ भी टिक्की को रूम टेम्परेचर पर आने दें। अब रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसमें थोड़ा तेल डालकर लगभग एक या दो चम्मच और फिर अच्छी तरह से शैलो फ्राई करेंगे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक। तेल डालने के बाद फ्लेम को धीमी और मध्यम आंच के बीच रखें ताकि टिक्की जले ना। थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप चाहो तो तेल डाल सकते हैं, पर यहाँ पर दोबारा तेल डालने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर सभी चीज़ें पकी हुई है तो हमें सिर्फ टिक्की को अब गोल्डन ब्राउन होने देना है। बस दोनों तरफ अच्छी तरह से टिक्की फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये टिक्की जो हमने थॉ होने के लिए रखा था, देखिए कितनी नरम हो गई है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो इसे कैसे फ्राई करना है ये देखते हैं। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म होने दे, तेल जितनी मर्जी चाहे हम उतने ले सकते हैं। अब रूम टेम्परेचर पर आया हुआ आलू टिक्की को हम पैन में रख देते और फ्लेम को धीमी और मध्यम आंच के बीच रखें। कुछ देर बाद पलट लें। अब तेल डालकर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इस कटलेट को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आलू टिक्की को थॉ होने के लिए यानी कि रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। अब कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन बनाएंगे। एक बाउल में कॉर्नफ्लावर और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी डालकर एकदम पतली सी घोल बनानी है। तो बस ये हमारा कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब टिक्की को कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। अब इसे बाहर निकालकर हम ब्रेड क्रम्स या रवा में अच्छी तरह से कोट करेंगे और फिर इसे डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, बिना कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन में डाले और कोट किए बगैर अगर हमने इस टिक्की को डीप फ्राई किया तो पोटैटो का मिक्सचर सारा तेल में बिखर जाएगा। तो देखिए हमारा टिक्की अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने आज यहाँ पर काफ़ी कम तेल डालकर हेल्दी आलू टिक्की बनाया है। ये आलू टिक्की गोल्डन कलर तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी क्रिस्पी भी है। मेयो केचप सॉस बनाएंगे। दो बड़ी चम्मच एगलेस मेयोनीज। यहाँ पर मैंने वीबा कंपनी का एगलेस मेयो लिया है, इसमें लहसुन और प्याज का पाउडर नहीं है। मेयो खरीदते वक्त काफ़ी ध्यान दें, खरीदने से पहले उसमें लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पढ़ ले ताकि उसमें लहसुन और प्याज ना हो। एक बड़ी चम्मच टमाटो केचप। यहाँ पर हमने बिना लहसुन और प्याज का टमाटो केचप लिया है, मैंने यहाँ पर सुरभि कंपनी का लिया है, या फिर हमें कोई भी जैन की दुकान में टमाटो केचप एकदम आसानी से मिल जाएगा। मिक्स करें। मेयो केचप सॉस रेडी हो गया। बर्गर का बन लेंगे। बन को हम बीच में से काट लेंगे और पूरे बन में अच्छी तरह से बटर लगाएंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, स्किप ना करें। जिस पैन में हमने आलू टिक्की फ्राई किया है उसी पैन में हम बर्गर बन को टोस्ट करेंगे। जहाँ पर हमने बटर लगाया है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे यानी कि पैन को स्टिक करेंगे। अब इसे हम गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। फ्लेम यहाँ पर धीमी और मध्यम आँच के बीच रखें। ऊपर के बन को हमें काफ़ी कम बटर अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मॉइस्ट करना है। अब पलट लें। यहाँ पर बन को बटर लगाकर टोस्ट करना, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम बन में बटर डालकर टोस्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर कोई चटनी या सॉस डालेंगे तो बन सॉगी नहीं होगा। अगर हमने बटर डालकर टोस्ट नहीं किया है तो जो भी चटनी और सॉसेस डालेंगे बन के ऊपर
उस वक्त वो बन सौगी हो जाएगा। देखिए हमारा बन काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और थोड़ा क्रिस्पी भी हो चुका है। अब दूसरी तरफ सिर्फ बटर को मेल्ट करना है, सिर्फ एक या दो सेकंड सेकेंगे। गैस को बंद करेंगे। देखिए दूसरी तरफ हमने सिर्फ गरम किया है, गोल्डन कलर नहीं लाया। अब हम इसे साइड में निकाल कर रखेंगे। वेज देसी बर्गर बनाने के लिए और किन किन चीजों की जरूरत लगेंगी वो देखेंगे। हमने यहाँ पर गोभी का पत्ता लिया है, एक्चुअली यहाँ पर लेट्यूस लीव्स जिसे सैलड का पत्ता कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, पर ज़्यादातर घर पर सैलड का पत्ता अवेलेबल नहीं होता। अगर है तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करें, और अगर सैलड का पत्ता नहीं है तो हम गोभी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर गोभी का पत्ता इस तरीके से लिया है, या फिर हम यहाँ पर लंबी कटी हुई गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर लंबी कटी हुई सैलड के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर गोभी या सैलड का पत्ता या लंबा कटा हुआ कोई एक ही लेंगे। लंबा कटा हुआ टमाटर चाहे तो स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी शिमला मिर्च स्लाइस या लंबा कटा हुआ। शिमला मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है। शिमला मिर्च तो बर्गर में नहीं डलता, लेकिन हमारा तो वेज देसी बर्गर है तो शिमला का इस्तेमाल तो करेंगे ही। और क्योंकि बच्चे शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करते, अगर हम ऐसे टेस्टी बर्गर के अंदर शिमला मिर्च सब डाल कर देंगे तो नेचुरली बच्चे इसे खुशी खुशी से खा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग शिमला मिर्च खा रहे हैं। कोथमीर पुदीना चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल लिया है। अगर हम स्टोर किया हुआ फ्रीज़र का चटनी लेते हैं तो उसमें पानी ना डालें, क्योंकि हमें यहाँ गाढ़ी चटनी चाहिए। कोथमीर पुदीना चटनी रेस्टोरेंट स्टाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगी। मेयो केचप सॉस जो हमने बना कर रखी है। चीज़ स्लाइस, चीज़ यहाँ पर ऑप्शनल है। आलू टिक्की या कटलेट, फ्रोजन आलू टिक्की का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दूंगी। बटर में टोस्ट किया हुआ बर्गर बन। हमारा वेज देसी बर्गर बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बच्चे जब घर पर अकेले हो और उन्हें भूख लगे, और अगर ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही तैयार करके रखी हैं, तो बच्चे भी ये वेज देसी बर्गर एकदम आसानी से बना सकते हैं। ना उनको टेंशन और ना हमें टेंशन, क्योंकि हमने यहाँ पर कटलेट बना कर रखा है, बर्गर बन को टोस्ट करके रखा है, कटिंग भी करके रखा है, तो बच्चे झटपट बना सकते हैं। हमारी सारी चीज़ें तैयार है, अब हम वेज देसी बर्गर असेंबल करेंगे। ये वेज देसी बर्गर बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं। आज इसे बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी, आज मेरा भांजा सिखाएंगे। ये वेज देसी बर्गर अगर एक बार खाएंगे तो यकीनन मैकडोनल्ड का बर्गर भूल जाएंगे। हरे कृष्णा, माय नेम इज यशराज पुजारी। टुडे वी आर मेकिंग वेज देसी बर्गर। टेक अ बर्गर बन। We have already toasted this bun with butter. Now we will apply green chutney. Now we will apply mayo ketchup sauce. Now we will put in cabbage leaves. यहाँ पर हमने बर्गर बन में गोभी का पत्ता रखा है। अगर हम पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह पे हम लंबा कटा हुआ गोभी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने आलू टिक्की के ऊपर मेयो केचप सॉस डाला है, तो हम यहाँ पर चीज स्लाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर चीज स्लाइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो टिक्की के ऊपर मेयो केचप सॉस ना डालें। Now we will put cheese slice. अगर हमें हैवी लोडेड चीज बर्गर चाहिए तो आलू टिक्की के ऊपर मेयो केचप सॉस डालें और फिर उसके ऊपर चीज स्लाइस भी डालें। Now we will put tomato. Now we will put capsicum. Now we will cover this. Now our veg desi burger is ready. हमारा वेज देसी बर्गर रेडी हो चुका है, वो भी कितनी
जल्दी बनी। तो आप मान गए ना कि बच्चे भी ये वेज देसी बर्गर आसानी से बना सकते हैं। Now we will offer this to Lord Krishna. Now we will put in tulsi leaves. Hare Krishna. Wow, it's so yummy.